मॉर्निंग एवरीबडी, दिस इज रुपेश चावड़ा एंड आई राइट हियर। आई एम एट बैंगलोर, बैंगलोर बोल सकते हो, बैंगलोर बोल सकते हो। आज के दिन में मैं आपको अपनी बैंगलोर वाली जर्नी दिखाने वाला हूँ कि अगर आप बैंगलोर में आते हो तो डे वन के अंदर आप कितना कवर कर सकते हो और कौन सी जगह ऐसी है जो आपको मिस आउट नहीं करनी चाहिए। वही सारी चीजें, वही सारी इन्फॉर्मेशन, वही सारी फुटेजेस आज आप इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो में मजा आए तो लाइक कर देना लास्ट में, ठीक है? चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप देख पा रहे हो कि पीछे की तरफ बहुत बड़ा सा बस स्टैंड है। इस तरीके से कुछ यहाँ से लेके वहां तक और यहाँ से वहां तक ये धन्वंतरी मार्केट बोलते हैं इस एरिया के अंदर। और मैं भी एक सिटी बस में ट्रैवल करके आ रहा हूँ। सिटी बस कॉस्ट में अराउंड 25 रुपीज एंड मैं 35 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करके आया, तो समझ लो कितना पॉकेट फ्रेंडली है यहाँ का सिटी बस। मैक्सिमम अमाउंट यू कैन स्पेंड ऑन सिटी बस इज 25 रुपीज। यहाँ पे हर रोज ऐसा ही क्लाउडी वेदर रहता है, मैं पिछले 3 दिन से यहीं पे हूँ। ऐसा ऐसा ही वेदर, कभी धूप कभी छाव। जिस लोकेशन पर हम जा रहे हैं वो हमारी पहली लोकेशन है, विधान सभा आप बोल सकते हो हिंदी के अंदर, और इनकी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो विधान सुधा करके लोकेशन है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रोड पे पड़ती है। ये सारी लोकेशन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सारा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा होगा। आपको डायरेक्टली इस लोकेशन को ट्रैक करना है तो जाके गूगल पिन डिस्क्रिप्शन के अंदर है, चेक कर लेना। हम लोग यहाँ पे अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं जो है विधान सभा। ये वाला जो मेरे पीछे जो बिल्डिंग दिख रहा है यही है यहाँ का विधानसभा बिल्डिंग, और इस पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट वर्क इज गॉड वर्क। तीन स्टोरीज का ये बिल्डिंग है और ये पूरा अफसर वाला बिल्डिंग है, ये पूरा सरकारी बिल्डिंग है। मैं आपको पहले मेरी टीम से मिलवा देना चाहता हूँ। मयूर है हमारे साथ यहाँ पे, ममता भी है यहाँ पे, पायल भी है, पायल की मम्मी है। बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत है। उस तरफ जो उस एंड पे था तो वहाँ पे जवाहर नेहरू की प्रतिमा लगाई गई है, जो कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जो हमारे संविधान के कर्ता धरता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की यहाँ पे प्रतिमा लगाई गई है। ये थी हमारी पहली लोकेशन। सेकंड लोकेशन इसके जस्ट सामने की साइड आई हुई है जो हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका। लिटरली दिस प्लेस इज सो ह्यूज कि आपको सामने की रोड आके पूरा देखना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी प्रॉपरली हाउ ह्यूज दिस स्ट्रक्चर इज। देखिए पूरा वहां से लेके पूरा यहाँ तक ये पूरा एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है। वी आर एट हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्विवेदी बैंगलोर। इस लोकेशन पर लुक एट द गेट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका। विधानसभा का जो स्ट्रक्चर है उसी के एग्जैक्ट सामने आई हुई हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका। वैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे ऑटो रिक्शा वाले मिल जाएंगे जो आपको चार पांच लोकेशन दिखाएंगे। उनका सिल्क वाली साली वालों का जो रहता है हैंडक्राफ्ट, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि इतने लोग लाओ, इतना कॉन्ट्रैक्ट रहता है उनका। अभी हम जस्ट हाईकोर्ट के साइड में ही चल रहे हैं। रियली हाई सिक्योरिटी एरिया, एवरीवेयर यू कैन फाइंड अ सीसीटीवी फोकसिंग ऑन यू। ग्रीनरी तो है ही, रोड भी एकदम साफ से बढ़िया वाले, क्योंकि गवर्नमेंट बिल्डिंग जो है मेन वाले, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ऑफ द कर्नाटका स्टेट। ये कर्नाटका हाईकोर्ट का जितना भी बिल्डिंग एरिया है वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड ही नहीं है। चलते चलते तीसरी लोकेशन पर आगे, जो कि हमारे सेकंड लोकेशन के एकदम पड़ोस में थी, कर्नाटका हाईकोर्ट के एकदम पड़ोस में पड़ता है चामराजेंद्र पार्क। चामराजेंद्र पार्क में आप एंट्री करते हो तो वहाँ पे बड़ा सा एक यहाँ पे मैप लगाया गया है। जैसे कि लोग बेंगलोर को जानते हैं कि ITF हो गया और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है उस चीजों से, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो हम अभी जिस जगह पे जो कबीन पार्क बोला जाता है वो बेंगलोर के लंग्स माने जाते हैं, कि ये इतना ग्रीन वाला है और इतना बड़ा एरिया में फैला हुआ है। सुबह सुबह लोग यहाँ पे वॉकिंग और रनिंग करने के लिए आते हैं। एरिया की अगर मैं बात करूँ, इट्स अराउंड 300 एकर्स का पूरा एरिया है इस गार्डन का। इसमें बहुत सारी स्पीशीज के आपको पेड़ देखने को मिल जाएंगे। पेड़ के नंबर भी दिए गए, 1323 इस पेड़ का नंबर है। जैसे जैसे हम इस पार्क के सेंट्रल एरिया में आ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे शांति ज्यादा ही कुछ हो गई है। जो कबीन पार्क है उसके सेंटर में आया हुआ है बैंड स्टैंड। अहमदाबाद में ऐसा कोई बड़ा गार्डन नहीं है, बड़े गार्डन है लेकिन इतने सुंदर नहीं है जितना ये है। ये गार्डन के एग्जिट के बाहर ही भुट्टा वाले मिले भैया यहाँ पे, कुछ इस तरीके से सर यहाँ पे लगाते हैं। ये तीखा वाला सर, ये कैसा, ये हरी मिर्च वाला है क्या? हरी मिर्च वाला है, और वापस से उसको कोयले में गर्म करेंगे। इट्स सुपर सुपर स्पाइसी। अगर आप आते हो तो ये वाला चीज तो आपको ट्राई करना बनता ही है। मुंबई के लोग ऐसे प्लेन वाला भुट्टा खाते क्या? हमारे मुंबई में ज्यादा अच्छा मिलता है, ज्यादा अच्छा मिलता है भुट्टे के। अमेरिका से आते सीधा मुंबई वाले अपना पसीना डालते क्या इस आप वाले में? ये जो पार्क है इसके अंदर साइकिलिंग भी अलाउड है 8 बजे के बाद सारे दिनों के लिए। कुमिन पार्क से निकल के किंगफिशर टावर की तरफ अगर आप जाते हो तो वहां पे आपको बीच में लगेगा यहाँ का हिस्टोरिकल म्यूजियम, जो कि बैंगलोर म्यूजियम के नाम से जाना जाता है।
जब 81 के टाइम ये मैसूर में से कर्नाटका हुआ उससे पहले का ये म्यूजियम है एंड दिस इज वेरी हिस्टोरिकल प्लेस। इस तरीके से इस जगह का एंट्रेंस दिखता है एंड यहाँ पे कुछ बाहर की तरफ मूर्तियां लगाई गई है। यहाँ पे वेंकटप्पा आर्ट गैलरी भी है जो कि इस तरफ आया हुआ है। अगर आपको आर्ट पसंद है, आपको जो पुरानी चीजें वो देखना पसंद है, यू शुड मस्ट विजिट दिस प्लेस। पायल इधर कहाँ जा रहे हैं? यशवंतपुरा मेट्रो से इस्कॉन टेंपल है यशवंतपुरा में एंड स्टेशन का नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। मेट्रो जा रहे हैं हम लोग? हाँ मेट्रो से जा रहे हैं। मेट्रो में चलते हैं, बेंगलुरु की मेट्रो का एक्सपीरियंस भी एक बार दिखा देते हैं। यहाँ से हमें यहाँ पे जाना है। Look at this amazing view outside. तो यहाँ पे लास्ट लोकेशन इस्कॉन टेम्पल पहुंच गए थे जो कि बेंगलुरु का बहुत ही जाना माना टेम्पल है इस्कॉन टेम्पल। इसका आखिर एक बहुत ही सुंदर सा है। चलिए अपना सफर शुरू करते हैं इस्कॉन टेम्पल का। बहुत ही प्यारी सी दुबारे इसमें चमक रहा है चेहरा। जब चीज यहाँ पे अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, मोबाइल फोन अलाउड है लेकिन आई डोंट नो द रिकॉर्डिंग इज अलाउड और नॉट, बट हियर्स द टू लेन जेंट्स एंड लेडीज एंड हियर्स द बैगेज डिपार्टमेंट। और वहीं से कॉरिडोर ऊपर की तरफ लगता है जहाँ से ब्यूटीफुल मेट्रो का व्यू भी मिल रहा है एंड वहाँ से इस्कॉन टेम्पल का भी व्यू मिल रहा है। Here we are at Sri Radha Krishna Temple, ISKCON Temple का गेट। इस जो गेट के पैटर्न जो होते हैं ना इसको गोपम बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। This is the pamphlet, Telugu, Tamil, Andhra and पता नहीं ये लास्ट वाला कौन सा है लेकिन इंग्लिश हिंदी एंड बंगाली ऑल्सो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और गोपम है उसके अंदर और राधा कृष्ण की मूर्ति है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। क्या ब्यूटीफुल नजारा है और ये इस्कॉन टेम्पल का व्यू, क्या बात है, गजब ही लग रहा है भाई, गजब। दर्शन करने सब लोग जा रहे हैं, सेम लाइन है, ये एडवांस लाइन, ये भी एडवांस लाइन, ये सेम लाइन कॉमन मैन। इस मंदिर के अंदर फोटो खींचना बहुत मनाही है। दर्शन करके हम लोग आगे थे वापस और इन लोगों का एक छोटा सा फूड कोर्ट स्वीट कोर्ट लगा के रखा है, मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या चीज है यहाँ। ये नमकीन रहता है थेंगल, हियर इज द मोतीचूर का लड्डू एंड हियर इज द पेटीएम, डोंट स्कैन इट। हियर इज द चंद्रकला, ये कुगरा बोलते हैं अपने, और ये लड्डू हो गया एंड दिस इज समथिंग कोकोनट होली के। शॉपिंग की तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लेकिन खाने पीने के मामले में भी ये कम नहीं है। कटोरी हो गया, ये सारी समोसे हो गए भाई, एक से एक बढ़िया डोनट भी हो गया। देखो ये कौन सा है, वेज रोल हो गया। आई विल बी टेकिंग 2-3 टाइम्स खिचड़ी क्योंकि यहाँ की खिचड़ी बहुत यवी रहती है। हाँ ये लास्ट वाला अपना थोड़ा गर्म गर्म भी डाल दो थोड़ा थोड़ा। तो ये जो प्रसाद दिख रहा है आपको ये इस्कॉन टेम्पल का जो फेवरेट मेरा खिचड़ी रहता है वो वाला है और ये मेरा थर्ड वाला कप है। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहता हूँ इस्कॉन टेम्पल में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा जरा कमेंट में, और इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया आपने तो लाइक देखिए जाएगा, अगर नए थे तो आप सब्सक्राइबर बन जाओ और इस जो वीडियो की सीरीज चल रही है साउथ वाली उसमें सपोर्ट करो। बाकी हमारे जो सारे दर्शक लोग हैं वो तो हमको सपोर्ट कर ही रहे, आप भी थोड़ा सपोर्ट कर दो तो हम थोड़ा और आगे आ जाए। ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर।